अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिन सीनियर एक्टर से मिल रही हूँ उन्हें हम कॉन्स्टेंटली टीवी पे देखते हैं इन मल्टीपल हिट रोल्स। ही इज़ एन एक्सट्रीमली रिकग्नाइजेबल फेस बिकॉज ही इज़ इन बिन इन अ नंबर ऑफ आइकॉनिक ड्रामास। डिस्पाइट दिस ही इज़ वेरी लो प्रोफाइल। हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वी नो ही हिज परफॉर्मेंसेज, वी लव हिम इन अ लॉट ऑफ रोल्स, वी डोंट नो एनी थिंग अबाउट हिम। सो मे बी वील फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट हिम टुडे। इट इज़ माई प्लेजर टू बी टॉकिंग टुडे टू फरहान अली आगा। ये बताएं क्यों हमें आपके बारे में आपके काम से आगे कम पता है? क्या ये डिलिबरेट है? नहीं, आपने पूछा ही नहीं, आज आप पूछ रही हैं। अच्छा, तो आप ये नहीं, लेकिन आप शायद आप इतना अपनी पर्सनल लाइफ की तस्वीरें नहीं लगाते ज़्यादा। कभी मैंने आपकी फैमिली के साथ आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा नहीं देखी। मैंने देखा है कि आमतौर पर लोग कुछ भी करते हैं ना, ट्रैवल करें, कहीं खाएँ, कुछ करें, कोई इवेंट हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। आप नहीं लगाते? तो when there are lots of good things happening, उनको आई फील कि क्या ज़रूरत है किसी और से आप इंडोर्स कराएं उसको। दे आर हैपनिंग, यू नो, दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, नथिंग दैट आई डोंट माइंड इट, बट बस कभी उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं हुई कि मैं उसको एग्नोलेज। इवन वर्क वाइज, आई मीन, आप इस वक्त मैं countless hit dramas जो ट्रेंड कर रहे हैं, आप BTS भी कभी नहीं लगाएंगे, आपके कभी कोई वीडियो नहीं आएगी। आपके साथ बहुत से आपके सीनियर और कास्ट मेंबर्स होते हैं जो दूसरों के BTS में आ जाते हैं, हाँ, दूसरों में एक पीछे से एक नजर आते हैं मुस्कुराते हुए, कभी आप खुद ज्यादा नहीं। I think I need to do a bit of homework. अच्छा, you think so? अब करना पड़ेगा, अब जब इतना हाईलाइट हो रही होती है कोई चीज के, यू नो, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया इंटेंशनली and make an effort, so I guess I have to. I think एक fan base है जो अब internet पे बहुत होती है. But tell me about personal life, जैसे not personal life, sorry. Tell me about real life, like when you go out. आजकल जैसे आप जब कहीं जा रहे हैं तो लोग आपको कौन से roles से ज़्यादा बुला रहे हैं या मिल रहे हैं कि आपका वो drama हम आजकल देख रहे हैं? आजकल तेरे बिन से associate करते हैं, जो आप मीरब के kind of father हैं लेकिन नहीं है. वो आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और अब तो पाकिस्तानी ड्रामा आफ्टर सोशल मीडिया हैज़ बिकम ग्लोबल। इट डजेंट मैटर कि वेदर यू इन कराची, वेदर यू लैंड इन कैनेडा, वेदर यू लैंड इन द US, अगर आपका कोई ड्रामा हिट हुआ है पाकिस्तान में जो चैनल पे चला है वो उधर भी हिट हुआ होगा। अच्छा, चाहे वो इंडियन फैन फॉलोइंग हो, मिडल ईस्टर्न हो, या एक्सपैट्स हों, बाहर रहते हों, मतलब यहाँ से ज़्यादा लंबी लाइन बाहर होती है सेल्फीज़ खिंचाने की, इवन ऑन एयरपोर्ट्स। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। That's amazing. हाँ, it's nice. हाँ. एक मज़े की बात हुई, हम एक मीट एंड ग्रीट पे गए थे US, तो वहाँ पे जब ह्यूस्टन में थे तो वहाँ नासा का स्पेस स्टेशन है, वहाँ गए, सबको शौक था कि जाके देखेंगे, तो वहाँ भी टिकट लेके नहीं जाना पड़ा, कोई ना कोई फ़ैन मिल गया जो अंदर ले गया आपको कि मैनेजमेंट आइए चलिए। ये अच्छा है, दैट्स गुड, दुनिया छोटी हो गई है। कितनी अच्छी बात है, हमारे ड्रामे की कितना पावर है। अच्छा, तेरे बिन के बारे में आपसे आजकल कह रहे हैं, कोई कहता नहीं है कि ये क्या होगा आगे, क्या होगा ये, कि मैं बहुत सोच रही हूँ आजकल तेरे बिन में कि क्या होगा, कैसे होगा, यही पूछते हैं सब। हाँ, यही सवाल होता है। हाँ, मैं इस तरह जान छुड़ाता हूँ, मैं कहता हूँ देखो सबकी अलग अलग शूटिंग होती है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द एंड। पता तो होगा आपको, पता थोड़ा थोड़ा पता। वॉट द ड्रामा लुक्स वेरी ग्रैंड ऑन टीवी, क्या वाकई ये सेट इतना ही एक्सटेंसिव था? और तेरे बिन बहुत ग्रैंड है ना, वो जो घर है, वो जो पूरे सेट्स हैं, वो तो है, है। पांच घर मिला के शूट हुआ है, मुझे सिराज बता रहे थे डायरेक्टर। बट यू नो देयर इज सिराज इज अ टैलेंटेड डायरेक्टर, कोई शक नहीं है इसमें, और देयर इज नो रेसिपी फॉर समथिंग लाइक दिस। आप चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं बट वो निकलेगा करके खाना पक के बनेगा कैसा, यू डोंट रियली नो। आपको नहीं पता चलता, पहले आपको पहले से नहीं पता होता कि आप इतना हिट हो जाएगा कोई चीज़। वो तो एक्सपेरिमेंटल तो होता है हर प्रोजेक्ट, ऐसा ना हो कि आप एक प्रोजेक्ट हिट दे दें फिर आप समझें दूसरा भी वैसे ही होगा, वो होता नहीं है। कभी कभी सीक्वल्स हिट नहीं होते उस तरह। हाँ, प्रोजेक्ट्स के बनते हैं तो पता नहीं होता, चीज़ें क्लिक कर जाती। शूट करते हुए पता चल जाता है कि ये कुछ अच्छा बन रहा है? मुझे तो नहीं पता था। आपको इतने साल हो गए, कोई गट फीलिंग नहीं? मुझे पता था कि स्टोरी अच्छी है बट ये नहीं पता था कि इतना हिट हो जाएगा, नहीं पता था। लेकिन जब काम करने के बाद अपना जब मैंने उसको ऑन स्क्रीन देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि यू नो द इंग्रेडिएंट्स वर रियली राइट, और वाकई में सही जस्टिफाइड है कि हिट हुआ है। उस वक्त आपको बहुत सारे टिट्स एंड बिट्स में आप शूट कर रहे होते हैं, कभी कभी कुछ लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, लोकेशंस
चीट हो रही होती हैं या आप डेट्स मैनेज कर रहे होते हैं, तो कभी कभी आपको होल पिक्चर जो शायद प्रोडक्शन हाउस को या डायरेक्टर को एडिट पे बनती हो वो एक्टर को कभी कभी नहीं बनती है। आपकी विजन अपने कैरेक्टर तक मोस्टली लिमिटेड होती है। yes. तो आई सपोज कि फिर आपको एयर के बाद ही पता लगता है कि क्या। तो फिर जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है आप कैसे चूज करते हैं? देखिए यू आर आप अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लेकिन आपके पास आ रहे हैं फादर रोल्स हैं, कभी वो अच्छा फादर होगा, कभी वो फॉरगेटफुल फादर होगा, कभी वो रमज़ान ड्रामे का कॉमिकल होगा, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ पैटर्नल रोल। आप क्या देख के स्क्रिप्ट साइन करते हैं? क्या आप सिर्फ डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस या कास्ट देखते हैं, या आप कहानी में कुछ ढूंढते हैं कि किस किस्म का बाप है, कुछ कर रहा भी है कि नहीं कर रहा? सच बताऊँ? क्या सच बोल रहे हैं जी? देख मैं पिछले मेरे ख्याल से कई सालों से मैंने कोई स्क्रिप्ट ऐसा सच पढ़ा नहीं पूरा। मैं सिर्फ कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करता हूँ कि है क्या डायरेक्टर से, रोल क्या है, डायरेक्टर से डिस्कस करता हूँ या एसोसिएट से डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद इतने सारे टाइम में इतने सारे रोल्स आपने कर लिए हैं कि वो आपके अंदर जो हैं वो पल रहे हैं। अभी ना अभी वो सिर्फ ये होता है कि बटन दबता है, वो एक वो मूड सामने आ जाता है आपका, और जो एक्चुअल कैरेक्टराइजेशन होती है वो चंद सीन्स करने के बाद ही सांचे में ढलती है सही मानों में। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के कोई कैरेक्टर समझ जाएंगे कि मैं इसको कैसे परफॉर्म करूँगा, जब तक आप करते नहीं हैं। जब आप स्क्रिप्ट को बोलते हैं तो आपको दो चार पांच सीन्स में समझ में आता है कि ये एक्चुअली इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और इसकी टोन क्या रखनी चाहिए। कहीं हो सकता है फादर के रोल्स हों अग्रेसिव हों, कहीं लेड बैक हों, कहीं असर्टिव हों, तो वो कहीं बेटी की तरफ ज़्यादा माइल है, कहीं जॉइंट फैमिली के मामले आते हैं। तो वो स्क्रिप्ट को परफॉर्म करके ही आपको एक्चुअल उसकी स्पिरिट समझ में आती है। स्टोरी क्या सुन लेते हैं कि आप स्क्रिप्ट पढ़ने के वो नहीं, आप डायरेक्टर से कहते हैं कि मुझे बेसिक एक वो बता दो, जस्ट बता दो स्टोरी की। वेरी बैड विद दैट। मैं मुझे ये तो आपको करना पड़ेगा ना, स्क्रिप्ट तो पढ़नी पड़ेगी। मैं मोस्टली तो जो स्क्रिप्ट का जो क्रक्स मैं कंसीव करता हूँ वो ऑन सेट ही होता है मोस्टली, या अगर आपको इफ इट्स अ शॉर्ट फिल्म और समथिंग तो मे बी दे एक्सक्यूज मी दे सेंड यू द स्क्रिप्ट और आप उसको देख लें PDF पे। अदरवाइज रीडिंग द होल सीन्स आपके सामने है, देखिए क्लिक भी करता है, कितने ड्रामे कैरेक्टर जस्टिफाई भी हो जाता है, परफॉर्मेंस एक्नॉलेज भी हो जाती है, बट आई हैवन डन एनी होमवर्क बिहाइंड दैट। There's no homework behind it. It's just... It's coming to me naturally now. Because you've done so many roles, wo sab mila ke ek naya character ban jata hai. Interesting. Just comes naturally. Lekin phir aap dekhte kya hai? Ki aap ye dekhte hai ki ye production house hai, ye ethical hai, ya ye cast hai, ye strong hai, mere saath ye log hai, ek achha group ban raha hai. Kya sochte hai aap? Har script to nahi sign karenge na? Me as an actor, this is an acquired skill. मैं टैलेंट बेस्ड नहीं हूँ, आपने सोच लिया? क्योंकि मुझे पता है इट्स बीन सो मेनी इयर्स नाउ, जब मैं आया था और अब जो मैं कर रहा हूँ ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ग्रूम हुआ ना वक्त के साथ। तो देखिए पाकिस्तान में बीइंग एन एक्टर और आप सस्टेन, यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला। अच्छा। और आप कोई आप सोचें कि यार ऐसा कोई कैरेक्टर आएगा तो मैं करूँगा और मैं वही प्रोजेक्ट करूँगा, मैं इतना नहीं सोचता। मैं उसको आई टेक इट एज अ करियर, कमर्शियली लेता हूँ। द टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ के आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करते रहे, आप कीप योर सेल्फ इंगेज इन द इंडस्ट्री, कॉन्स्टेंटली बिजी। और आप तो बहुत बिजी रहते हैं, अभी आप 5 ड्रामे साथ शूट कर रहे हैं, आप मुझे दुख 8-9 में भी चला जाता है। हाउ बिजी, तो फिर आप देखते क्या हैं? फिर भी यू एज एन एक्टर, मैं सिर्फ सुनता हूँ कि आपका यू डोंट आस्क अबाउट द कास्ट, यू डोंट आस्क अबाउट द प्रोडक्शन हाउस। कभी कभी पूछता हूँ कास्ट का, हमेशा नहीं पूछता, क्योंकि मुझे पता है कि इन द एंड होमवर्क मुझे ही करना है अपने एंड से। अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर की सिग्न, यस अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, कैरेक्टर की सिग्निफिकेंस क्या है स्टोरी में वो होनी चाहिए। सही है, हाँ बिल्कुल, वो तो ना हो ना फॉरगेटेबल। एट दिस लेवल आप चाहे छोटी सी अपीयरेंस कर दें तब भी आपको पैसे मिलते हैं, आप मेन लीड में आप 10-10, 20-20 साल छोटी लड़कियाँ आपके साथ कास्ट कर देते हैं तब भी आपको रोल्स मिलते हैं। मुझे तो देख के अक्सर ड्रामे में होता है कि आपका कोई ना कोई ऐसा रोल आ जाता है कि बाद में कोई यंगर वर्जन खातून का आ जाता है जिसके साथ आपका ट्रैक होता है, बिकॉज़ आई डोंट नो, पता नहीं, मे बी दे लाइक माय फेस और समथिंग, बिकॉज़ यू डोंट लुक ओल्ड, यू हां, तो वो इस तरह भी होता है। तो वो इट्स अ मिक्स एंड मैच, समटाइम्स आई वांट टू हैव सम टाइम टू माय सेल्फ, तो आई इंटेंशनली चूज सपोर्टिंग रोल्स।
बिकॉज उसमें सेट पे आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग माहौल मिलता है। अच्छा। अगर आप मेन कैरेक्टर ले लें बिल्कुल तो आप क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या स्क्रिप्ट है, किसका है, क्या कॉम्बिनेशन है, कहाँ शूट कर रहे हैं, हो सकता है शहर से बाहर, मुल्क से बाहर कर रहे हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या आप बोलते हैं चले इसको कमर्शियली लो। What do you think has been your biggest hit रमजान ड्रामा? You've been in सुनो चंदा। I think so। हाँ, चुपके चुपके अभी तो हम तुम भी लास्ट ईयर बहुत हिट हुआ था। I know। अब वो कैरेक्टर आपको याद है उसमें जो वो रिश्वतें ले रहा होता है, सबसे शर्तें लगा रहा होता है, greedy father, बाल खड़े उसके गिरे बांध के, लूजर जो होता है बाप, तो वही ना है, तो बाप का रोल, बट कितना यूनिक है कि याद रह गया। और आपको लगता है रमजान ड्रामा से फैन फॉलोइंग बढ़ती है? बहुत ज्यादा। अच्छा, बच्चों में के बड़ों में भी? सब में, क्योंकि मेरी एक्सेस हर तबके के साथ है इधर। हाँ, हर तबके, तो वो मुझे हर जगह से रिस्पॉन्स आता है। एंड आई डू फील नाउ एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ के इन ऑर्डर टू परफॉर्म रोल्स जो आपकी तबीयत के ऑपोजिट हों, इनसिक्योर आदमी वो कभी नहीं कर सकता। आई एम नॉट इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ, माई लुक्स और एनीथिंग, कुछ भी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे बाल बिगाड़ दें, खड़ा अच्छा, कर दें, आप नहीं कहते। मैं कभी इन चीज़ों पे कॉन्शियस नहीं होता। मैं परफॉर्मेंस पे पूछा कि कौन सी साइड आपकी है वीडियो में, तो यू वर नॉट बॉदर्ड, यू बट मैं रियल लाइफ में भी ऐसी, आई डोंट केयर। बेगम मुझे बोल रही होती है ना, कहाँ जा रहे हैं सेलिब्रिटी, यू नो, पुट ऑन समथिंग नाइस। अरे यार, क्या फ़र्क पड़ता है, हम जो पहनेंगे ट्रेंड बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आप मॉडल रह चुके हैं, आपकी नेचुरल गॉड गिवन गुड लुक्स हैं, इसलिए आप ये इस तरह की बातें कर सकते हैं। हर एक के बड़ी मेहनत है, बड़ी फिटनेस रूटीन होती है। मैंने कॉस्मेटिक्स नहीं है। हाँ, नो कॉस्मेटिक्स, नो कॉस्मेटिक्स, ओके, नो एट ऑल, बट फिटनेस। मैंने सुना है कि आप बहुत बार चल के आ जाते हैं सेट्स जी, पर जी दूर दूर तक, जी जी, कराची जैसे शहर में। एक दफा मुझे याद है, हम टीवी का बड़ा एक हिट सीरियल आया था, I had an accident at that time, a car accident हुआ था, तो मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरा लेफ्ट आर्म जो था कास्ट में था, मैं कास्ट में वॉक करके आ गया था प्रोडक्शन हाउस 2 घंटे चल के, बिकॉज मेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी गर्मी में, मोबाइल फ़ोन हालांकि चोरी भी हो सकता है, उस जमाने में इतना नहीं था, वो मुशर्रफ साहब का कराची में था, तो हमेशा ही वैसे होता ही है थोड़ा। आ गया था मैं वॉक करके, बिकॉज मेरी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, दिल दिया दहलीज। अच्छा, ओके, उसका तो वो एक्टिविटी नहीं हो रही थी, मैं वॉक करके पहुंच गया था। मैं इस तरह की चीज़ें बहुत करता हूँ, 2 आवर्स वॉक करके। ये कि धूप में नहीं निकलना, आपके घर वाले नहीं कहते कि प्लीज आज गाड़ी लेके चलें, बच्चों को तो नहीं वॉक कराते आप अपने साथ इस तरह? एक्चुअली मुझे अंदाज़ है, कभी कभी रात को अंधेरे में वॉक में निकल जाता हूँ, बहुत दूर और पिच साइलेंस और डार्कनेस के अंदर, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जो चीज़ किसी को नहीं पता वो आपको हार्म नहीं कर सकती। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को ना हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, क्या हो सकता है, नोबडी कैन प्लान एनीथिंग। स्नैचिंग, हाँ, तो वो आप बह रहते हैं, आप कराची में रहते हैं, यहीं बड़े हुए हैं, सब पता है, आप प्रिकॉशंस लेते हैं, सब चीज़ होती है। क्या प्रिकॉशन होता है स्नैचिंग से? नॉट कैरिंग ए मोबाइल विद यू। ओह, सो यू डोंट इवन हैव एक्सेस। नहीं, मैं रूट चेंज करता रहता हूँ। अच्छा, ओके, मैं ये काम करता हूँ इस तरह के। डू यू थिंक देयर कैन बी फ्रेंडशिप्स इन सेलिब्रिटी इन द शोबिज इंडस्ट्री? यस, देयर आर वेरी बहुत अच्छे 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 रिलायबल फ्रेंडशिप्स, दिल की बात कर सकते हैं बगैर परेशान हुए कि। अच्छा। एंड इन फैक्ट एक एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जो मैं आपको कह रहा था ना एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मैंने तो किसी को नहीं बताया था, मैं जाके एक्सीडेंट जब हुआ तो हॉस्पिटल में था फॉर अ डे, जितने इस फ्रटर्निटी के लोग जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं था और जिनके कॉल और जो लोग मिलने के लिए बहुत सारे अपनों से पहले पहुँच गए थे, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा बड़े सेंसिटिव लोग हैं, तो मैं उस दिन से कभी भी मैं मतलब अपने फ्रटर्निटी के बारे में मीडिया से रिलेटेड लोग जितने भी हैं बहुत अवेयर और दर्द रखने वाले और सेंसिटिव लोग हैं, जो डिफरेंट टाइम्स में स्ट्रगल करके जिन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई है, एंड इन देयर लाइव्स दे रियली वर्क हार्ड टू अचीव व्हाट दे हैव इन लाइफ। मैं तो आई लुक अप टू देम, ऑल ऑफ देम। व्हाट अबाउट यू, व्हाट वर योर स्ट्रगल्स?
आई नो कि आपने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, आई थिंक यू ऑल्सो हैड योर लुक्स टू हेल्प यू अलॉन्ग, बिकॉज आप फ़ौरन नोटिस हुए, फ़ौरन ही आप हीरो हीरो पहचान के, ओ ही इज़ अ हीरो, यू नो, आपको कभी हीरो का दोस्त नहीं बनना पड़ा होगा, बनना पड़ा नहीं ना, सीधा सीधा हीरो बने। मैं वर्कआउट करता था एक जिम में। अच्छा। और मैंने कंपेरेटिव बॉडी बिल्डिंग भी की है, मैंने 1988-89 में अपनी वेट क्लास में मिस्टर कराची भी जीता था। अच्छा। बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट तो okay. वहाँ का जो कोच होते थे सिकंदर साहब उनका नाम था, उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो, वो क्या होती है, तो अलग आपको मैं मिलवाता हूँ। तो दे इंट्रोड्यूस मी टू एन एजेंसी, उन्होंने अगले दिन ही कमर्शियल शूट कर लिया था बिस्किट का, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बट हमारे ज़माने में इट यूज़ टू बी अ बिग थिंग कि अगर आप ये बात करें कि आई वॉन्ट टू सस्टेन फाइनेंशियली ये काम करके, तो मुशर्रफ साहब के दौर के बाद बहुत सारे चैनल्स आए थे। हाँ, उस वक्त एक साइड इनकम हो सकता था। हाँ, बट कोई इसे मेन प्रोफेशन की तरह, मॉडलिंग की बात कर रही हूँ, मेन प्रोफेशन की तरह नहीं पहचाना। मॉडलिंग भी, इवन एक्टिंग भी, खाली एक्टिंग में भी आप, मतलब आप आसान नहीं था कि या तो यू हैव थिंग्स गोइंग फॉर यू कि बहुत सारा काम हो आपके पास तो फिर आप कर सकें। आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड इन 2001 तो माय फादर इन लॉ आस्क्ड मी कि नो बेटा अच्छा एक्टिंग करते हो तो यही करो, है ना, यही करोगे। तो नाउ ही इज़ अ प्राउड फादर इन लॉ, यू नो, नोबडी न्यू कि हम गूगल पे आ जाएंगे और स्टेट लेवल आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं और दुनिया में लोग पहचानने लग जाएंगे और इनकम अच्छी होगी। हाँ, किसी को नहीं पता था उस वक्त। तो ये भी मसला होता था कि एक्टर्स को टाइम पे पे नहीं मिलती थी। हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर ये गाड़ियाँ खरीदते थे हम सारे, अदनान, एजाज, हुमायूं, मोर और लेस आगे पीछे एक ही टाइम पे सब आए थे। ये खुश होते थे अपनी गाड़ियाँ खरीद के कि हमने गाड़ी ली इतने की और ये हमने, यू नो, दिस इज़ एन एसेट फॉर मी और हमने अपने कमाई से ली है, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती थी उस दौर में। अभी तो आई थिंक अगर कोई भी आए एक्टिंग की फील्ड में, सिर्फ एक्टिंग में भी, और अगर उसको ब्रेक मिल जाए, लड़की हो लड़का हो, और लेवल हेडेड हो, तो वो तो आराम से अपनी लाइफ सेटल कर लेगा। क्यों, अब पे टाइम पे मिलती है और पे अच्छी मिलती है, स्किल्स चेंज हो गए ना बहुत सारे। मैं तो अभी भी बहुत से एक्टर्स मुझे कहते हैं कि पे के लिए कॉल करना पड़ता है, रिमाइंड कराना पड़ता है, टाइम डिपेंड करता है, ये भी अच्छी चीज़ आपके साथ ये नहीं होता। इंडिया में भी आप इंटरव्यू पढ़े हैं, वो सैफ अली खान बोल रहा था कि मुझे कॉलें करनी पड़ती हैं अपने पैसों के लिए, यानी ये दुनिया भर का मसला होता है। बट यू लर्न द ट्रिक ऑफ द ट्रेड, यू नो, आपके किसको बोलना है तो काम हो जाए फौरन। अगर आप टाइम ज़ाया करते रहेंगे, कहते हैं ना वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट, तो यू मस्ट नो कि आपको किससे क्या बात करनी है और आपकी जो प्रायोरिटी है या जिस वजह से आप काम कर रहे हैं वो राइट तरीके से कन्वे हो जानी चाहिए कि भाई मैं यहाँ कोई काम करने नहीं आया, मनी इज़ द प्रायोरिटी, या जो भी चीज़ है आप क्लियर कर दें पहले, फिर आप उन बेसिस पे काम करें, तो फिर आपकी एक रेपुटेशन बन जाती है। तो व्हेन पीपल हायर यू, जैसे मेरी रेपुटेशन है कि मैं मिसकमिट नहीं करता कभी। अच्छा, अगर आपने कहा है मैं करूँगा, आऊँगा इस वक्त एंड एवरीथिंग, यू आर वेरी पंक्चुअल आल्सो, वेरी पंक्चुअल। अच्छा, तो आप जब टाइम पे आते हो तो चिड़नी होती है जो बाकी इतनी बड़ी कास्ट होती है जो, तो ऐसा शुरू शुरू में होता था कि आप आ गए, मैंने कहा तो कोई भी नहीं है, तो फिर मैंने एक पॉलिसी बनाई कि टाइम पे आओ और टाइम पे जाओ। तो मैं अपने शूट पे एक बड़ा मशहूर जुमला मैं कहता हूँ कि 10 बजे रात को सिंड्रेला के जूते चेंज हो जाएंगे, हमारी मतलब 12 बजे नहीं होते, 10 बजे होते हैं। अच्छा। तो मैं कहा 9:59 आई डोंट नो यू, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, चाहे आधा हो, पूरा हो, जो भी हो, शुरू ही मत करना ऐसा कोई काम जो 10 बजे पूरे। अगर और लोगों को शौक है देर तक काम करने का, उनको रखो, उनके सीन्स करो, मैं चला जाऊँ। काफ़ी लेट हो गया वैसे भी, इससे ज़्यादा क्या रुकना। लोग 12-12 एक ही बजे तक काम करते हैं, उनको पीपल हु डोंट हैव पर्सनल लाइव्स और आर सिंगल और दे लाइक इट मे बी। आपकी क्या स्मूथ सेलिंग रहा है करियर हमेशा से, स्मूथ, नो प्रॉब्लम्स? नहीं चली स्मूथ। अच्छा, नहीं चला स्मूथ, नहीं। There have been struggles. I have constantly seen you on TV. लगता नहीं है जैसे बहुत मुश्किलात है। हाँ, नहीं वैसे नहीं है। जैसे from the financial point of view नहीं है, नहीं। और काम भी आपके पास हमेशा से स्क्रिप्ट आती रही है। It's just about कि कौन सा प्रोजेक्ट मिला या कौन सा नहीं मिला। इस तरह आप कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी का हो। हाँ हाँ। काम तो है अक्सर, देखें वॉल्यूम में जो चीज़ भी होगी वो आपकी मर्जी की नहीं हो सकती। हाँ, नेचुरली ठीक है, मर्जी की क्वालिटी की चीज़ें कम होती हैं हमेशा। बट मैं इस तरह कह रहा हूँ कि इस करियर को आप प्लान नहीं कर सकते। वेयर एवर आई एम राइट नाउ, इट्स बाय हार्ड वर्क एंड शियर गुड लक, आई वुड से। बस यू कैन नॉट प्लान अ करियर इन दिस इंडस्ट्री, यू नेवर नो कि आपको
आप जवानी में लॉन्च हो जाएंगे आप, मतलब आई एम मच मोर बिजी नाउ देन आई वॉज इन माई थर्टीज, टेकन मच मोर सीरियसली नाउ देन आई वॉज टेकन इन माई थर्टीज, तो सो यू नेवर नो. और अभी तो आपको मतलब मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना पार्टी तो अभी शुरू हुई है. अच्छा, आपकी पार्टी अभी शुरू हुई है. ऐसा लगता है कि हाँ. तो वो और अभी मुझे लगता है कि इट्स लेस अबाउट ड्रामे की बात कर रहा हूँ मैं, इट्स लेस अबाउट टैलेंट नाउ, इट्स मोर अबाउट स्टैमिना एंड प्रोफेशनलिज्म एंड कमिटमेंट्स. इफ यू हैव क्रेडिबिलिटी इन द इंडस्ट्री थिंग्स फॉलो यू, सक्सेस फॉलोज यू. टैलेंट से नहीं आती? नहीं, क्रेडिबिलिटी कमिटमेंट्स को पूरा करने से आती है. अच्छा. अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं, टर्मोइल फेस करते हैं, फेड हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, रेपुटेशन ख़राब हो जाती है. अगर इफ़ यू वांट, देखिए मैं कहता हूँ या तो ये हो या ये हो, ये नहीं होना चाहिए. अच्छा. हाँ. और ये भी नहीं होना चाहिए. सही. तो अगर ये है तो मींस इट्स टाइम टू चेंज योर प्रोफेशन. डिपेंडेबल होना चाहिए ना, बिकॉज प्रोडक्शन हाउसेस आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन टीवी नाउ. जब इतने पैसे लगते हैं तो दे वांट इट के एक्टर्स बिहेव एंड दे. वन मोर थिंग आई विल टेल यू, एंड हियर इन पाकिस्तान, बाहर मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, इवन फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत लीगल तरीके से बनते हैं, आप बाउंड होते हैं उसमें, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. यहाँ मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि गुडविल पे ज़्यादा होती हैं चीज़ें. अच्छा. और आपके इंटरपर्सनल स्किल्स और आपके रिलेशंस पे ज़्यादा काम होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट तो आप जस्ट अ फॉर्मेलिटी साइन करना, इफ़ यू हैव गुड रिलेशंस, गुड प्रोफेशनल रिलेशंस, तो आपके बहुत सारे ऐसे आपको प्रोविजंस मिल जाएंगे जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहे होंगे जो टर्बुलेंट होगी. तो अच्छा. तो आपका पर्सनैलिटी में जो स्किल्स होते हैं आपके एक्टिंग टैलेंट के अलावा रियली मैटर. अच्छा, आप कह रहे थे ना कि स्ट्रगल्स इसमें होती हैं कि कभी कभी वो रोल्स नहीं मिलेंगे जो आपका दिल करता है. इस वक्त आप इस पॉइंट पे अपने करियर के, व्हाट्स द वन रोल परहैप्स दैट यू वुड हैव लव्ड टू डू जो आपने नहीं किया? अब तो हम यू डूइंग ऑल द गुड रोल्स, रिजन अबव दैट. तेरे बिन में आप कौन सा रोल करना चाहते? नहीं, जो जो ऑफर हुआ था मुझे समझ में आ गया था. अच्छा. अच्छा था. और आई हैव रिजन अबव दैट नाउ. अच्छा. आई टेक थिंग्स एज दे कम. खुश होते, मतलब यू आर कंटेंट विद व्हाटएवर कम्स टू यू. क्योंकि अब जो है ना इतनी सारी चीज़ें अटैच हो गई हैं, शोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, मीट एंड ग्रीट्स होते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स होती हैं, तो आपको नहीं. लेकिन एज एन एक्टर आपको कोई रोल ज़्यादा एक्साइट कर सकता है? हाँ. तो आपका दिल कर सकता है कि मैं वो वाला क्यों नहीं किया? अभी आई लीव इट टू द डायरेक्टर. मैं काफ़ी हद तक आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. अगर डायरेक्टर अच्छा होगा मुझसे काम निकाल लेगा, वरना मैं वही करूँगा जो मुझे करना है. अगर वो इंटरेस्ट लेगा बहुत से तो आपसे वो काम निकाल लेते हैं. तो अगर मुझे लगे कोई डायरेक्टर लगेगा यार, मैंने ऐसा भी हुआ है, अभी होना शुरू हो गया कि नहीं आप ही को लेना है क्योंकि वो कैरेक्टर आप ही कैरी कर सकते हैं, तो वो फिर आपके पीछे आते हैं और लेते हैं आपको. तो उस वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगे कि ये रोल हमें इन्हीं से करवाना है, बनस्बत कि मैं जाके अब ढूंढूँ. क्योंकि कभी कभी तो आई डोंट नो वेदर आई शुड बी सेइंग दिस इन एन इंटरव्यू और नॉट, कभी कभी तो मैं सेट पे आता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ कौन था मैं, मुझे बताओ जरा क्या था, दिखाना जरा. तो अच्छा कह दिया इंटरव्यू. अच्छा कहता अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके. लेकिन आई डू जस्टिस टू इट, जब वो शूट होगा ना यू विल नॉट बी एबल टू टेल कि इन्हें पता नहीं था. वो जस्टिस होती नहीं है तो. और जैसे आप आजकल आप कह रहे हैं कि 5 ड्रामे आपके ऑन गोइंग है, ठीक है डिफरेंट स्पेल्स होंगे वीक्स के, बट स्टिल इट्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स टू डू साइमल्टेनियसली, तो वो सारे दिमाग में मिक्स हो जाते. यू आर ओनली ह्यूमन, यू आर ह्यूमन. हां, बट वो वी हैव दिस लग्जरी नाउ यू नो कि आपसे पूछ के डेट्स रखी जाती हैं. हां, इफ यू डोंट वांट टू वर्क यू डोंट हैव टू वर्क. आप थोड़े से दिन काम कर लें महीने में, आपके मामला सेटल हो जाते हैं. फाइनेंशियली Isn't that bad financially? देखें, काम कम कर दिया. अगर आप बहुत बिजी रहना चाहते हैं वो तो इसलिए कि आप पैसे कमाना चाहते हैं. हाँ. पैसे कमाने का मतलब बिल्स पे करना नहीं होता, आप एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं. अच्छा. अगर आपको सिर्फ बिल्स पे करने जा रहे हैं तो वो तो थोड़े दिन आप काम करें हो जाता है, थोड़े इतना मसला नहीं. अच्छा. कभी कभी ड्रामा शूट करते हुए होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसी स्टोरी है. हमारी बहुत सी स्टोरीज ऐसी होती हैं कि आप सोचते हैं कैसी स्टोरी है, ये क्या हो रहा है, ये मीरब क्यों ऐसी है. मैं तो ये सोचती हूँ आजकल. आपने सोचा मीरब क्यों ऐसी है? मैंने ये सोचा कि क्या हो रहा है, मतलब ये
जब मैंने मीरब के कैरेक्टर को फॉलो किया तो वो भी बेचारी कहीं ना कहीं कभी किसी के जानने वाले के साथ एंगेज हो जाए, कभी उससे मिलने चली जाए, कभी किसी सहेली का, कभी उस पे जादू हो रहा है। हाँ, तो ये बस ये एक मसाला है जो पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए, हिट मसाला बस। तो आपका काम ही यही है। बट इन रियल लाइफ यू नो, जो अभी तो आप जहाँ भी जाते हैं आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं ना, जो आप क्या तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं बाहर भी। तो मेरी कोशिश होती है कि टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, अगर प्राइवेसी इन्वेजन ना हो रही हो, कोई पर्सनल, कोई आप किसी जगह पे ना गए हो, तो आई एम ऑलवेज आउट देयर फॉर देम एंड वेरी नाइस। मैं कभी घबराते मना नहीं करते। कभी ये नहीं होता कि अभी तो मैं तैयार नहीं हुआ हुआ, ये मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं लोग, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एंड विद एवरीबॉडी, चाहे वो ठेले वाला हो, कभी कभी स्ट्रीट्स पे आप शूटिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है। आप किसी का दिल रख लें, क्या फर्क पड़ता है। एंड इट्स फैंस, दे लव योर वर्क। आई मीन आप ये सोचेंगे बहुत से लोग तरसते हैं कि हमारे इनके लोग आए, ये तो खुशनसीबी है, शुक्र अदा करना चाहिए कि लोग तरसते हैं आपसे मिलने के लिए। कि कभी ये खत्म हो गया तो मुझे तो आदत हो गई है, नहीं ये नहीं सोचते। नेवर, अजीब सी बात है ना, नेवर। हां, क्योंकि आई एम हु आई एम, यू नो, आई हैव नेवर फेल्ट के सोरा चली जाए तो क्या होगा ना, कि लोग मेरा काम देख अच्छा रहे हैं, अच्छा लगता है। बट मैं आई हैव नेवर लेट इट गेट टू माय हेड और एनीथिंग लाइक दैट। इट्स लाइफ, यू नो, लाइफ में यू लिव, यू डाई, यू गेट सिक, यू हैव डाउनफॉल्स, you, that's life. So you're prepared for the fact ke abhi is waqt mein busy hu. I think you would be naive not to be prepared for it. कुछ लोगों से नहीं वो एक्सेप्ट किया जा रहा होता है कि ये जो सी इट्स अ वेरी लाइवली लाइफ ऑफ एन एक्टर, यू नो, हर दिन एक नया सेट, एक अलग वाइब। इट्स एन आई मीन आई नो इट्स टफ बट इट्स आल्सो एक्साइटिंग। लेकिन कभी तो ज़िंदगी की एक्साइटमेंट ख़त्म होती है ना सबकी, दैट्स द सर्कल ऑफ लाइफ। तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली। अच्छा, आई थिंक आई वुड प्रोबब्ली वेंचर इनटू समथिंग बिगर। क्या बिजनेस? I don't know. Producer बन जाएंगे? नहीं नहीं, producer का मेरे को शौक नहीं। I've always had this. Sometimes I think that I should have been a soldier or something instead of being an actor. अच्छा। मैं you know बड़े बहुत मेरा एक तो self driven हूँ, time पे चीज़ें करता हूँ। I always look at the bigger picture, माशरे में भी, national level पे भी। So I feel that I have this capability के आप इससे भी बड़े बड़े काम करें आगे लाइफ में जाके, जिसमें दूसरों का फ़ायदा हो, दूसरों के लिए आप करें। मतलब आप, आई फील दैट आई हैव दैट इन मी। या फिर आप पॉलिटिक्स में जाने का सोचते हैं? मतलब नेशनल इंटरेस्ट में तो हर वक्त रुझान रहा है, और ऑफ कोर्स इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी एंड इन द राइट सर्कमस्टांसेस। आजकल तो बहुत सारी टर्मोइल्स भी हैं, आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है। Do you think there's hope for Pakistan? A lot of people feel hopeless now. Do you think hope hai? Yes. There's always hope. Hamesha. Aisa nahi sochna chahiye. Mulkon pe, bahut sare mulkon pe halaat ke different times aate hain. Main to samajhta hu ki mujhe to right hi nahi aisa bolne ka ki Pakistan mein hope nahi hai. Kyunki main to jahan hu to mujhe Pakistan ne diya hai sab kuch. Haan, idhar hi se jaate hain. Hamari pehchan to yahi hai. Aap sochein yahan se stars banke रॉयल ट्रीटमेंट मिलती है आपको यूएस में भी, जब मीट एंड ग्रीट में जाते हैं लिमोजीन खड़ी हुई होती है आपको लेने के लिए। हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में होप नहीं है? Who do you think amongst the young lot of actors are very promising? शहजाद शेख है और बहुत अच्छा बच्चा है। शहजाद शेख है और यमुना है, वो है वहाज है, आज को देखें आप काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे आई एम श्योर जो जिनके साथ मैंने काम किया। आपने सबके साथ किया मोस्टली है ना? आहत तो अब नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी कर रहा था। आहत इज वेरी गुड, वो भी अच्छा बच्चा है। सब अच्छे बच्चे, सब अच्छे हैं। आसिफ रजा मिल साहब से मिलता हूँ ना तो मैं कहता हूँ आपको बेटा बड़ा अच्छा है, और शेख साहब से भी शहजाद के बारे में, मेरे बच्चों की तरह बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हैं। तबियत शहरोज हो गया, बहुत अच्छे बच्चे, मोस्टली ऑल ऑफ देम आर नाइस। वो बेचारे जो यू नो आपके, मैं समझता हूँ कि बैकग्राउंड भी बड़ा मैटर करता है कि आप कहाँ से आते हैं। फिर जब आप आते हैं, इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं, आपको तवज्जो मिलती है। देखो दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, यंग हो, ओल्ड हो। कुछ लोग पर्सनैलिटी वाइज भी थोड़े से शैलो होते हैं, कुछ लोग वेट कैरी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर ये मीडिया का
इनका इम्पैक्ट क्या होता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, तो क्या आप उससे डील कैसे करते हैं? कुछ लोगों का इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू, कुछ लोगों का इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन यू। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनली हैव यू सीन अ मूवी और अ सीरीज रिसेंटली और एक रोल था आपका, दिल करे कि आपके पास भी ऐसा रोल है, तो आप कहेंगे कि नो आई एम हैप्पी विद माय रोल्स, और इज देयर सम रोल? आई वुड बिल्कुल डू इट। अगर मुझे कोई बताए ना, कोई आपने सीरीज देखी हो जिसमें आपने एक रोल देखा? मैंने कहा आई थिंक स्पेनिश सीरीज थी, रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक। ओके, आई हैवंट सीन दैट। नेटफ्लिक्स पे। अच्छा। उसमें वो जो मेन जो एक बुड्ढा था उसमें, उसका एक्चुअली अ ग्रैंडपा, उसके अंदर वो उसका मेन कैरेक्टर, उसका मुझे बड़ा अच्छा लगा। I would love to do something like that. Would you? आप देखिएगा। But हाँ, मैं देख लूँगी, लेकिन एक बात सुनो। That means you'll be okay playing an older person. You are young. नहीं, मुझे अच्छा लगा वो। अच्छा, आप अपनी देखो मेरी एज के लोग, देखो मेरी एज के लोग across the border main hero के roles कर रहे हैं। जी कर रहे हैं। चाहे आप अक्षय को लें, आप शाहरुख को लें, इसी एज के, मुझसे बड़े हैं बल्कि, बड़े होंगे 3-4 साल, तो वो आप अपना कर रहे हैं। और आपको अगर बूढ़े का रोल ऑफर हो, आप कर लेंगे बालों को ग्रे करके? पता नहीं, उस वक्त डिसाइड करूँगा। डिपेंड्स ऑन द रोल, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली आई वाज कॉल्ड समवेयर, बड़ी अच्छी जगह पे मुल्क के अंदर, सम अदर वेरी नाइस प्लेस, तो उसमें गेटअप था, तो मैंने यू नो कैलकुलेट किया, मैंने कहा यार ये तो इतने दिन का काम है, ये इतना एफर्ट लगाओ, यू नो ड्राइव ऑल द वे, ट्रैवल करना, तो मैं मैंने यार नहीं करना। वो अगर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में होता, डिफरेंट जगह पे होता, डिफरेंट प्रोजेक्ट का ऐसा होता, मे बी आई वुड हैव सेड यस। उसको मैं बहुत सी चीजें कंसीडर होती है ना एक साथ, ऑफ कोर्स, हां ऑफ कोर्स, ट्रैवलिंग, फाइनेंसेस, और कौन सा आपका काम चल रहा है? आर यू हैप्पी विद योर करियर इज नाउ? नहीं, हैप्पी तो नहीं कहूंगा। 5 ड्रामे कर रहे हैं आप एक साथ? नहीं, मतलब फाइनेंशियली तो हैप्पी, प्रैक्टिकली तो ठीक है, हां, मगर आई थिंक देयर इज लॉट मोर पोटेंशियल इन पाकिस्तानी एक्टर्स, और they deserve a lot more, not me, not just me, everybody jo hamari industry mein kaam karte hain, kisi tarah kisi Hollywood ke actor se ya Indian jo global celebrities bante hain talent mein, looks mein kam nahi hai, kam nahi hai, to I wish and I pray ke एक नॉर्म बन जाए कि आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकें। एक जमाने में आप गर्ल्स कॉलेज के सामने रहते थे, ये बड़े इंटरनेट पे कहानी आई थी। जी जी। उस जमाने में आप मॉडल भी थे। जी जी। तो आपको मुश्किल होती थी? बहुत मुश्किल होती थी, बहुत मुश्किल होती थी। मुझे आपने शादी कर दी? मैं जब मॉडलिंग में नहीं भी आया था, अटेंशन मिलना कभी इशू नहीं रहा मेरे लिए। अच्छा, बस इतना कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा, बस। तो इट हैज बीन लाइक दैट, स्टिल इज, बीइंग गुड लुकिंग इज सो टफ, तो बस ऐसे ही रहा हमेशा। अच्छा, चले, अभी भी यानी अभी भी फीमेल फैंस हैं ऐसे जो? हाँ, बहुत चीजें होती हैं। क्या खून वाला लेटर? हाँ, खून में लिखा हुआ लेटर? नहीं, आजकल सब समझदार हो गए, खून में लिखता लेटर सब समझ गए, सबको रियलिटी चेक है। अच्छा, हाँ, आप ब्लश कर रहे हैं, आप स्टोरी नहीं सुना रहे। क्या कहूँ? अच्छा, अभी आप अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, बच्चे बड़े हो गए, यू नो, एंड आई थिंक यू नो आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। सीधा सा जवाब देके ना असल चीज को हटा देंगे। दैट्स द ट्रुथ, दैट्स द ट्रुथ। मैं क्या कहूँ? चले, गुड टॉकिंग टू यू। यू डोंट हैव अ 5-year plan, बट आई थिंक जिस तरह से आप बिजी हैं, आपके 5 साल के अगले 10 साल, और आप एज भी नहीं करते, तो यू नो ये आई होप सो टू। यस, आई थिंक यू विल बी सीइंग यू फॉर अ व्हाइल ऑन टीवी। गुड टॉकिंग टू यू, थैंक यू। इट्स बीन अ प्लेजर बीइंग ऑन यू। सेम हियर। थैंक यू मदिया, थैंक यू।